छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने संकल्प पत्र किया जारी, कहा 5 साल में राज्य को पूर्ण विकसित बनाएंगे। अब तक 1 लाख करोड़ के एमओयू किए गए साइन, सीएम धामी जल्द करेंगे मुंबई दौरा। भाजपा सांसद साक्षी महाराज का बड़ा बयान, साक्षी महाराज ने केजरीवाल कांग्रेस नीतीश पर साधा निशाना। कमलनाथ के बयान पर भड़के असुद्दीन ओवैसी, एआईएमआईएम अध्यक्ष ने कांग्रेस पर कसा तंज। प्रियंका खड़गे का सामने आया बड़ा बयान, कहा आलाकमान कहे तो मैं सीएम बनने को तैयार। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में, मैं हूं आपके साथ रागिनी सिंह राठौर। रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों का। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीटों पर 2 चरणों में 7 और 17 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए छत्तीसगढ़ के लिए भाजपा का घोषणा पत्र जारी कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री ने मोदी की गारंटी 2023 शीर्षक के भाजपा का घोषणा पत्र आज जारी किया। इस दौरान अमित शाह ने कहा कि बीजेपी का घोषणा पत्र संकल्प पत्र होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि हमने इस राज्य की स्थापना की थी जिसका मकसद इस हिस्से को विकास की मुख्य धारा में शामिल करना था। और क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। हमने जो कहा है वो कहा था कि इन्होंने वादा किया था और उन्होंने पूरा नहीं किया। शराब बंदी ज्यादा नुकसान न करे, इस प्रकार की आबकारी नीति हम लेकर आएंगे जिससे बच्चों का, बीमारों का और व्यसनी बनने का सवाल न खड़ा, इसको लेकर हम जरूर आएंगे। अभी जो हम आवाज उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं कि इन्होंने वादा किया था और पूरा नहीं किया। वोट तो ले ली परंतु पूरा नहीं किया। शराब नीति को हम रीडिजाइन कर कम से कम नुकसान समाज का हो, इस तरह से घोषणा पत्र हुआ है। समाज के सभी वर्गों को संतुष्ट करने का प्रयास हुआ है। किसानों के लिए शानदार घोषणा हुई है, महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर की कीमत कम कर दिया गया है, 12,000 रुपया उनको हर महिला के लिए 1,000 रुपया उनके लिए देने की घोषणा हो गई है और इतना समाज के सभी वर्गों को समाहित करने का काम इस घोषणा पत्र में हुआ है। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के हित में, किसानों के हित में, मजदूरों को भी जो जिनके पास जमीन नहीं है उनको भी प्रति माह वर्ष में 10,000 रुपया राशि देने की भी बात कही गई है। यानी किसान भी खुश होगा, मजदूर भी खुश होगा, महिला भी खुश होगी, गैस सिलेंडर भी। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को सफल बनाने के मकसद से देश और विदेश में अभी तक कई रोड शोज किए जा चुके हैं। वहीं गुजरात से वापस लौटे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में आयोजित होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले ही लगभग 1 लाख करोड़ से अधिक के एमओयू साइन किए जा चुके हैं। सीएम धामी ने नई दिल्ली में प्रेसवार्ता का आयोजन किया और कहा कि दिसंबर में आयोजित हो रहे इन्वेस्टर समिट से पहले लंदन, बरिंगम, दिल्ली, दुबई, अबू धाबी के साथ ही चेन्नई, बेंगलुरु और अहमदाबाद में रोड शो आयोजित किए गए। देखिए, चेन्नई में भी काफी सकारात्मक रूप से बहुत सारे जो निवेशक थे, बहुत सारे उद्योग समूह के लोग थे, उन सभी से वार्ता हुई और एक बड़ी राशि निवेश के करार के रूप में वहाँ भी हमको प्राप्त हुई थी और बड़ा उत्साह चेन्नई में भी लोगों का रहा। और अहमदाबाद, गुजरात में चूँकि उत्तराखंड के साथ उनका पहले से ही एक संबंध है, बहुत आना जाना है, चार धाम यात्रा हो, हरिद्वार, ऋषिकेश हो या उत्तराखंड का मानस खंड हो, केदारखंड हो, हर क्षेत्र में लोगों की आवाजाही है। और जो इंडस्ट्री का सेक्टर है, इंडस्ट्री के सेक्टर में पहले से भी बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनेकों क्षेत्रों में उनका पहले से निवेश भी है, उसमें से उन्होंने अपने निवेश को बढ़ाने के लिए भी जो है अपने प्रस्ताव दिए हैं। लगभग 24,000 करोड़ से अधिक के अभी निवेशों पर करार हुए हैं वहाँ पर और सब मिलाकर अभी अब हमारा 1 लाख करोड़ के लगभग निवेशों पर करार हो चुका है। और हम भारतीय जनता पार्टी के साक्षी महाराज अपने बयानबाजियों को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। साक्षी महाराज अपने बयानों से विपक्ष पर जमकर हमला बोलते हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आड़े हाथ लेते हुए साक्षी महाराज ने कहा कि जांच संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं और स्वतंत्र तरीके से आवश्यकता अनुसार जांच किया जाती है। लोकतंत्र को
माफ कीजिएगा, लोकतंत्र का तकाजा है हर आदमी को जांच का सामना करना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मुझे लगता है कि जांच संस्थाओं का केजरीवाल को सामना करना चाहिए। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। जांच संस्थाएं स्वतंत्र होती हैं और स्वतंत्र तरीके से आवश्यकता अनुसार वो जांच करती हैं। लोकतंत्र का तकाजा है कि हर भले आदमी का जांच का सामना करना चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। मुझे लगता है इन जांच संस्थाओं का केजरीवाल जी को भी सम्मान करना चाहिए। केजरीवाल नहीं, जो भी अपराध करेगा इन जांच संस्थाओं की दृष्टि से जो कहीं दोषी पाया जाएगा, ये मोदी का शासन जेल तो जाएगा ही, और मोदी जी कह चुके हैं कि कोई नहीं बचेगा। जो भी अपराधी होगा, जो भी दोषी होगा, जिसने देश को लूटा है, जिसने करप्शन किया है, मैं एक को छोड़ने वाला नहीं हूँ। उसी आधार पर साथ मैंने कुछ कह दिया होगा केजरीवाल जी के लिए, कोई कुछ भी। तेलंगाना में विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां प्रचार में जुट गई हैं। वहीं इस चुनाव प्रचार के दौरान AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बाबरी मस्जिद के विध्वंस में कांग्रेस की बीजेपी आरएसएस के बराबर भूमिका रही है। कमलनाथ ने यह साबित किया है कांग्रेस और बीजेपी दोनों हिंदुत्व की विचारधारा पर काम करते हैं। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा। ये कार्यक्रम दोपहर 12:30 बजे होगा जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। इस पर तंज कसते हुए ओवैसी ने कहा कि जनवरी में जब राहुल गांधी किसी कार्यक्रम में जाए तो पीएम मोदी उन्हें अपने साथ जरूर ले जाएंगे। क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। कुछ भी कहे, जो मुझे कहना था मैंने कह दिया कि राम मंदिर हमारे देश के हर व्यक्ति का है। वो कुछ भी कहते रहे, वो रविशंकर प्रसाद पहले खुद तो कहीं से चुनाव जीत के बताएं। मेरी इस बात को और ऐसे कई हजारों लाखों लोगों की बात को दोबारा कमलनाथ ने साबित किया कि बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन और शहादत में कांग्रेस का भी बराबर का हिस्सा है। और कमलनाथ ने ये कहा कि राम मंदिर का क्रेडिट बीजेपी नहीं ले सकती, राजीव गांधी के रोल को नहीं भूलना चाहिए। ताला खोला राजीव गांधी ने और उन्होंने कहा कि हमको तारीख को नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, तारीख को इसलिए नहीं भूल सकते कि जब पहली मर्तबा बाबरी मस्जिद के अंदर रात के अंधेरे में चोरों की तरह मस्जिद के अंदर जाकर उसमें आइडल्स को रखे गए थे मिंबर नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। कर्नाटक के आईटी मंत्री और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे ने कहा कि अगर पार्टी आलाकमान कहेगा तो वो सीएम बनने के लिए तैयार है। दरअसल पत्रकारों ने प्रियांक खड़गे से सवाल किया कि क्या वो राज्य के सीएम बनेंगे, तो उन्होंने कहा कि पार्टी आलाकमान अगर राजी होगी तो वो जरूर बनेंगे। प्रियांक खड़गे का ये बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब मांड्या से कांग्रेस विधायक रवि कुमार गनिंगा ने आरोप लगाया है कि भाजपा की टीम ने कांग्रेस के 4 विधायकों से संपर्क किया है और भाजपा में शामिल होने के बदले उन्हें प्रत्येक को 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद की पेशकश की गई है। कर्नाटक कांग्रेस के नेताओं के बयानों पर गौर करें तो उन्होंने उनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं पार्टी के भीतर सीएम पद को लेकर खींचतान चल रही है। यही वजह है कि सीएम पद को लेकर जारी बयानबाजी के बीच सीएम सिद्धारमैया ने साफ किया है कि वो पूरे 5 साल के लिए सीएम रहेंगे। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।